एक घंटा बाइक को धूप में खड़ा रखने से कितना पेट्रोल उड़ेगा। साथ ही साथ आज आप एक ऐसी कंट्री देखने वाले हैं जिसने कुछ और नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स को ही बैन कर रखा है। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत जमीन से तेल क्यों नहीं निकालता? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय समय पर कुछ ऐसे ट्रेंड्स हमारे आंखों के सामने आते हैं जिसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में हेयर कटिंग टैटू ट्रेंड अपने चरम पर है। असल में दोस्तों, इस ट्रेंड में आर्टिस्ट कुछ इस तरीके से हेयर कट करके उसके ऊपर ऐसे टैटू को बनाता है कि दूसरे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये टैटू कुछ इस तरीके से स्मोकिंग कर रहा हो। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि एक आंकड़े के अनुसार यूएसए में हर दिन 2000 से भी ज्यादा लोग इन तरीके के टैटूज को बनवा रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी है ये तो। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि हर साल अप्रैल के महीने में 8 दिनों तक बेंगलोर में अग्नि खेली नाम के एक ऐसे फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है जिसमें बहुत से पुरुष दो गुटों में बंटकर कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ आग से खेलते हैं। असल में दोस्तों, इस फेस्टिवल को दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ इस तरीके से आयोजित किया जाता है और यही चीज इस फेस्टिवल को बाकी के फेस्टिवल्स की तुलना में कुछ अलग भी बना देती है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां की फैक्ट्रीज में कुछ और नहीं बल्कि मच्छरों को ही पैदा किया जा रहा है। असल में दोस्तों, सिंगापुर प्रेजेंट डेट में बहुत बड़े अमाउंट में ऐसे गुड मॉस्किटोज को बनाकर अपने सभी पब्लिक प्लेसेस में छोड़ रहा है जो कि एक ह्यूमन को ना ही बाइट करते हैं और ना ही किसी भी प्रकार के वायरस को फैलाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जैसे ही ये गुड मॉस्किटोज नॉर्मल मॉस्किटोज के साथ मेट करते हैं तो ये उनके डेंगू या फिर अलग अलग तरीके के वायरस को भी खत्म कर देते हैं। और वास्तव में ये अपने आप में काफी ज्यादा क्रिएटिव आइडिया है जहां पर हम एक मॉस्किटो को मॉस्किटो की मदद से ही खत्म कर रहे हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में ही होती है और उसी का ही एक जीता जागता एग्जांपल वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी ने दिया भी था। असल में दोस्तों, जर्मनी ने बहुत बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके के लोहे के मूविंग केबिन्स को बनाकर तैयार किया था जिसे लोगों के द्वारा कुछ इस तरीके से मैन्युअली आगे पुश किया जाता था। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि जब वॉर में इन तरीके के केबिन्स को बहुत बड़े स्केल पर उतारा जाता था तो अक्सर दुश्मन आर्मी को ये कोई एडवांस मशीन लगती थी जिससे वो अपने आप ही पीछे हट जाया करते थे और जर्मनी बिना लड़े ही अपने शत्रुओं को हरा दिया करती थी। सच में क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं क्या आपको बताया कि अब इसी चीज को टारगेट करते हुए वाराणसी के बहुत से शॉपकीपर्स एक बेहद ही यूनिक ट्रेंड के साथ मार्केट में उतरे हैं। असल में दोस्तों, इस स्कीम या फिर ट्रेंड के तहत अगर कोई भी इंसान किसी भी दुकान से स्मार्टफोन को परचेज करता है तो वो उसके साथ फ्री में उसे 12 नींबू भी देते हैं और वास्तव में ये स्कीम कुछ ज्यादा ही लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो भी अपने फेवरेट सुपर हीरो की तरह ही दिखे, लेकिन कब ये चाहत एक सनक में बदल जाती है इसका अंदाजा अक्सर लोगों को लगता ही नहीं है। मिलिए बॉडी बिल्डर रोमेरियो डॉस सैंडोस से जिन्होंने की मार्वल के कैरेक्टर हल्क की जैसा दिखने के लिए अपनी आर्म के अंदर कुछ और नहीं बल्कि सिंथोल को ही इंजेक्ट करा डाला। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर्स का कुछ ऐसा कहना है कि आगे आने वाले समय में इनकी ये आर्म पूरे ही तरीके से काम करना तक बंद कर सकती है और वास्तव में ये चीज किसी पागलपन से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद बहुत से देशों में शादी के कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अजीब होते हैं। वहीं बात अगर भारत के किन्नौर जिले की जाए तो यहाँ तो मामला एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। असल में दोस्तों, इस जिले की ट्राइब की एक प्रथा के अनुसार यहाँ पर एक घर में मौजूद सभी कुंवारे लड़कों की शादी सिर्फ एक ही लड़की से करा दी जाती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इनका घर काफी ज्यादा खुशहाल बन जाता है और वास्तव में ये चीज सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 13। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अक्सर दूसरे की जिंदगी या फिर काम में उंगली करते रहते हैं और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे शख्स मौजूद हैं तो बिलीव मी, आज उनकी उंगली के साथ आपको क्या करना है इसका सटीक जवाब आपको जरूर मिलेगा। स्वागत है आपका जर्मन स्टेट ब्रिवेरिया में होने वाली ट्रेडिशनल फिंगर पुलिंग चैंपियनशिप में। असल में दोस्तों, इस चैंपियनशिप में कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरीके से एक टेबल के दोनों ही तरफ बैठाकर एक दूसरे की फिंगर को पुल करवाया जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जिस भी प्लेयर की फिंगर या तो टूट जाती है या फिर दर्द के चलते हुए वो गिव अप कर देता है तो दूसरे प्लेयर को इस चैंपियनशिप का अल्टीमेट विनर घोषित कर करोड़ों रुपए से सम्मानित कर दिया जाता है। तो आप कौन कौन अपने दोस्त या फिर रिश्तेदार को इस चैंपियनशिप में भेजना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12।
दोस्तों जहां 11 साल की उम्र में बच्चे ठीक से खेलना नहीं जानते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि हैदराबाद के शंकर ने एक ऐसे कारनामे को करके दिखाया है जिससे पूरी ही दुनिया हैरत में पड़ गई है। असल में दोस्तों शंकर ने मात्र 11 साल की उम्र में ही एक ऐसी रोबोटिक आर्म को बनाकर तैयार किया है जो कि कठिन से कठिन रूबिक क्यूब्स को कुछ ही सेकंड्स में कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि टैलेंट के मामले में हम इंडियंस के सामने कोई भी नहीं टिकता। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 11, आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर कोई भी टेंपल ना ही मौजूद है और ना ही वहां पर कभी भी मंदिर बन सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस विलेज का नाम सुरवीर गांव है जो कि बिहार में मौजूद है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि यहां के स्थानीय लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई भी इंसान इस विलेज में किसी भी टेंपल को बनाने की कोशिश करता है तो यहां पर मौजूद एक नाग और नागिन का जोड़ा उसे डसकर खत्म कर देता है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि अभी तक यहां पर 7 लोगों ने टेंपल बनाने की कोशिश की है और उन के साथ लोगों को इन्हीं नाग नागिन ने डस कर खत्म कर दिया है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में रहस्यमय जरूर है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा की प्रेजेंट डेट में सबसे बड़ी मुश्किल एक टॉयलेट सीट को डिजाइन करना है। असल में दोस्तों नासा पिछले काफी लंबे समय से एक ऐसी टॉयलेट सीट को डिजाइन करने में लगा हुआ है जिसका कि इस्तेमाल मून के एटमॉस्फेयर में किया जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली इतना हाईटेक होने के बावजूद भी नासा इस काम को नहीं कर पाया है। और उसी के चलते हुए अब नासा ने स्कीम निकाली है कि जो भी इंसान उनके द्वारा बताए गए क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए सबसे सटीक डिजाइन की टॉयलेट सीट को बनाकर तैयार करेगा उसे नासा की तरफ से 26 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि ऑन एन एवरेज इस पूरी दुनिया में 1 किलो नमक के पैकेट की कीमत 30 से 50 रुपए के आसपास होती है। तो वहीं बात अगर मलेशिया की जाए तो यहाँ पर कहानी में कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट है। असल में दोस्तों मलेशिया में कोरियन बैम्बू रोस्टेड सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि समुद्र से सॉल्ट चट्टानों को निकालने के बाद उसे 800 डिग्री सेल्सियस पर एक बैम्बू के अंदर डालकर रोस्ट किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रोसेस इतना ज्यादा टफ होता है कि इस तरीके के सॉल्ट की सिर्फ 1 किलोग्राम की ही कीमत 30,000 रुपए के आसपास होती है। सच में मैसिव। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि एंशियंट मेक्सिको में लोगों को नशे की आदत से बाहर निकालने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान एक ऐसे लॉ को भी पारित किया गया था जिसके तहत अगर कोई भी इंसान पहली बार नशे की हालत में मिलता था तो उसे पब्लिकली गंजा कर दिया जाता था, जबकि दूसरी बार नशे की हालत में पकड़े जाने पर उस पर जुर्माना लगाते हुए उसकी संपत्ति को ही जब्त कर लिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई भी इंसान बार बार वहां के ऑफिसर्स को इसी हालत में मिलता था तो उसे इन दी लास्ट मौत की सजा दे दी जाती थी। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी रिकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आज स्मार्टफोन के बिना हम हमारी लाइफ को इमेजिन तक नहीं कर सकते। तो वही क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जिसने स्मार्टफोन्स को ही पूरी तरीके से बैन कर रखा है। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर आप सिर्फ सेलेक्टेड मॉडल्स और ब्रांड्स के ही फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी पूरे ही तरीके से स्मार्ट नहीं होते, बल्कि उन फोन्स में कुछ सेलेक्टेड एप्लीकेशंस को ही एक्सेस किया जा सकता है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इस पूरी ही कंट्री में सिर्फ एक ही मोबाइल नेटवर्क है जो कि 3G सर्विस को प्रोवाइड कराता है और वो भी नॉर्थ कोरिया के सिर्फ 39% टेरिटरी को कवर करता है और बाकी के इलाकों में तो नेटवर्क नाम की कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है। वास्तव में ये चीज अपने आप में विचित्र जरूर है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आज सभी मोबाइल फोन्स या फिर कंप्यूटर्स में माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन माइक्रोचिप्स को बनाने वाले इंसानों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? असल में दोस्तों इन तरीके की चिप्स को बनाने के लिए आर्सेनिक जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में एक इंसान को कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीजेस और बर्थ डिफेक्ट्स जैसी बीमारियां एज अ गिफ्ट दे देते हैं। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन तरीके के इंजीनियर्स को सालाना 46 लाख रुपए तक की सैलरीज दी जाती हैं। Strange but true. Fact number 5. क्या आपको पता है कि इस दुनिया में Heavens Above Fireworks नाम की एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो कि लोगों के देहांत के बाद उनकी राख को ही कुछ इस तरीके से पटाखों में बदल देती है। असल में दोस्तों इस कंपनी का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से दुनिया को छोड़ चुके उस इंसान को एक काफी अच्छा ट्रिब्यूट दिया जा सकता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए दुनिया भर के बहुत से लोग अपने खास लोगों की राख को इकट्ठा कर उसे कुछ इस तरीके से एक फायरवर्क में ही बदल देते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने एक से बढ़कर एक पेट लवर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पेट लवर दिखाने वाला हूँ जिसने अपने घर में कुछ और नहीं बल्कि साथ के साथ टाइगर्स को ही
पाला हुआ है। बिली ब्राजील में रहने वाले एरी मैक्रोस से, जिन्हें की टाइगर इतने ज्यादा पसंद है कि इन्होंने कुछ इस तरीके से 60 टाइगर्स को ही पेट बनाकर उन्हें अपने घर में पाला हुआ है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये और इनकी फैमिली इन टाइगर्स के साथ कुछ ऐसे खेलती और खाती है कि मानो ये कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि इन्हीं के ही फैमिली मेंबर्स हों। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस शख्स के नाम अलग अलग कैटेगरीज में बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी किया गया है। सच में डरा देने वाला फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको बताया गया अभी हाल ही में मात्र 14 महीने के यशस्वी ने महज 3 मिनट में 26 देशों के फ्लैग को पहचान कर अपने नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसके साथ ही यशस्वी देश में सबसे कम उम्र का सबसे पहला और दुनिया का दूसरा गूगल बॉय भी बन गया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। भारत जमीन से कच्चे तेल को क्यों नहीं निकाल पाता। असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी लेकिन बात अगर आंकड़ों की जाए तो हमारे देश भारत में इतना पर्याप्त कच्चा तेल मौजूद है जिससे हमारे पूरे ही देश का काम चल सकता है और हमें ऊंचे दाम पर पेट्रोल खरीदने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। लेकिन आखिर फिर सवाल तो ये है कि आखिर फिर इस कंडीशन में हम क्यों अपने ही देश की जमीन से कच्चे तेल को नहीं निकाल पाते। असल में दोस्तों इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है विदेशी कंपनियों का भारत के प्रति रुझान का कम होना। असल में दोस्तों आंकड़ों के अनुसार हम अभी तक सिर्फ 22% ही ऐसे इलाके को एक्सप्लोर कर पाए हैं जिससे हमें कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है। अब अगर इस कंडीशन में कोई भी देशी या फिर विदेशी कंपनी आकर बाकी के बचे हुए 78% एरिया को एक्सप्लोर करती है तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जनरेट होगी कि अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी शायद वहां से तेल ना निकले जिसके चलते हुए वो कंपनी बहुत बड़े घाटे से गुजरेगी। लेकिन वहीं अगर वो इसी पैसे को सऊदी जैसे देशों में लगाती है तो वहां पर तेल मिलने के चांसेस हमारे देश भारत से कहीं ज्यादा हो जाते हैं। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में ड्रिल कर कच्चा तेल निकालने का रिस्क नहीं लेती। तो वहीं दोस्तों बात अगर अब दूसरे कारण की जाए तो वो है कच्चे तेल की कीमत। असल में दोस्तों नए कच्चे तेल के कुओं को खोदने और कच्चे तेल को प्यूरिफाई करने में हमें काफी एडवांस इक्विपमेंट्स और लोगों की जरूरत होगी जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में हमें जितना खर्च आएगा उससे कम खर्च में हम सऊदी जैसे देश से तेल को इंपोर्ट कर सकते हैं। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन फ्यूचर जब सऊदी जैसे देश हमें कच्चा तेल ज्यादा ऊंचे दामों पर या फिर काफी कम क्वांटिटी में देना शुरू करेंगे तब हम इस पैसे का इस्तेमाल कर अपने ही देश से कच्चे तेल को निकालकर उस क्रिटिकल सिचुएशन में सर्वाइव कर जाएंगे। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों भारत कच्चे तेल को अपने ही देश से नहीं निकालता। फैक्ट नंबर 1। एक घंटा बाइक को धूप में खड़ा करने से कितना पेट्रोल उड़ेगा। असल में दोस्तों आपके पेट्रोल टैंक से कितना पेट्रोल इवेपोरेट होगा इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो वही बात अगर सबसे पहले फैक्टर की जाए तो वो है आपके फ्यूल टैंक का साइज और मटेरियल। असल में दोस्तों एक फ्यूल टैंक का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उससे पेट्रोल उड़ने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। साथ ही साथ अगर आपका फ्यूल टैंक मेटल का बना हुआ है तो उससे पेट्रोल उड़ने के चांसेस फाइबर बॉडी से कवर फ्यूल टैंक की तुलना में काफी ज्यादा होंगे। वहीं दोस्तों बात अगर दूसरे फैक्टर की जाए तो वो है पेट्रोल की क्वांटिटी। असल में दोस्तों अगर आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो पेट्रोल का ज्यादा सरफेस आपके टैंक के कांटेक्ट में आएगा जिससे टेम्परेचर बढ़ने की सिचुएशन में पेट्रोल का इवेपोरेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बात अगर अगले फैक्टर की जाए तो वो है आपके व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग डे। असल में दोस्तों एक व्हीकल जितना ज्यादा पुराना होगा उसके फ्यूल टैंक के ऊपर लगी कैप में लीकेज होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। अब अगर किसी भी कंडीशन में इस तरीके के व्हीकल्स को तेज धूप में खड़ा कर दिया जाए तो उससे पेट्रोल उड़ने के चांसेस नए व्हीकल्स की तुलना में काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो वही दोस्तों अब इन सारे ही आंकड़ों को अगर मिलाकर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अपनी बाइक को तेज धूप में एक घंटा खड़ा करते हैं तो उससे लगभग 1 ml से लेकर 2 ml तक पेट्रोल इवेपोरेट हो सकता है। तो वहीं अगर आप अपनी बाइक को 6 से 7 घंटे लगातार धूप में खड़ा करते हैं तो उससे अप्रोक्सीमेट 10 से 15 ml पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करें कि जब भी आप अपनी बाइक को पार्क करें तो किसी शेड के अंदर जरूर करें। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यार ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली भी बनने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैकस्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।